जापान में पाए जाने वाला दुर्लभ आम मियाजाकी की पैदावार अब बिहार में भी संभव है, जिसका जीता जागता सबूत पूर्णिया के पूर्व विधायक कामरेड अजीत सरकार के घर में देखने को मिला। मियाजाकी आम का ये पेड़ खास और अनोखा है, जिसका फल विश्व स्तर पर सबसे महंगा माना जाता है। यह विश्व का सबसे महंगा आम है। वहीं आम के पेड़ के मालिक और पूर्व विधायक कामरेड स्वर्गीय अजीत सरकार के दामाद विकास दास कहते हैं कि इस मियाजाकी आम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक आम की कीमत 21,000 रुपए है, वहीं 2,74,000 रुपए किलो तक यह मियाजाकी आम बिका है। जहां हमने आम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया है, तो वहीं इसकी देखरेख के लिए केयर टेकर भी रखा है। यह आम लाल कलर का होता है। वहीं आम के जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, वह भाग लाल हो जाता है। इस आम का मंजर सुनहरा होता है, देखने में काफी आकर्षक लगता है। वहीं विकास दास ने बताया कि पहले उन्हें भी इस आम की कीमत और खासियत का पता नहीं था। 30 साल पहले किसी ने अजीत सरकार की बेटी को यह आम का पौधा तोहफे के तौर पर दिया था, जिसको उन लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर ही लगा दिया था। वहीं उन्होंने बताया कि पहले उन्हें भी इस आम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, परंतु जब उन्होंने गूगल और अन्य जगहों पर इस आम के बारे में पता किया, तब उन्होंने इसकी खासियत के बारे में पता चला। वहीं आम की सुरक्षा में लगे केयर टेकर चंदन दास का कहना है कि यह आम खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। इस आम में अनानास और नारियल का भी स्वाद आता है। वहीं उन्होंने बताया मियाजाकी आम की पैदावार मुख्य रूप से जापान में होती है। यह आम जापान के येसुकु प्रांत के मियाजी शहर में उगाया जाता है। इसी के आधार पर इसका नाम मियाजाकी रखा गया है। वहीं इस आम का साइज भी काफी बड़ा होता है। एक आम का वजन 300 से 400 ग्राम के बीच का होता है। यहाँ जापान में यह आम अप्रैल से अगस्त के बीच होता है। आपको बता दें तो लाल रंग के इस आम में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। इनमें बीटा कैरोटीन और फोलेट एसिड भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण यह आम स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक बताया गया है। पूर्णिया से अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ये एक आम है, क्या कौन सी आम है, क्या खासियत है इसकी? ये पहले भी मुझे नहीं पता थी किस प्रजाति की है, तो अभी पता चला ये जापान की प्रजाति है, जिसकी नाम है ताइयो नोगो अमागो। तो ये आम जो है, एक तो ये बहुत खूबसूरत है, इसका कलर, इसका मंजर जो आते हैं वो सब पेड़ों से अलग है। और अभी जैसे हमको जानकारी मिली कि ये आम जापान में इसका बहुत महत्व है, जापान क्या पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत महत्व है, जिसकी कीमत 21,000 रुपया बताई जा रही है एक आम के। हाँ, एक आम के। और ये आम बाज़ार में नहीं मिलते हैं, और ये इसका डाक होती है, बोली होती है, उसके बाद ये आम बिकते हैं। और उसके बाद ये आम हमारे यहाँ आज लगभग 25-30 साल से है, जो गिफ्ट किया गया था किसी के माध्यम से, विधायक जी से जब मिलने आए थे उसको, बेटी को डॉक्टर दीमा सरकार को ये गिफ्ट दिया गया था। और लगाने के बाद हम लोगों को ही पता नहीं चला इस आम की इतनी खूबसूरती है, और जिस वजह से आज भी हम लोग इसका निगरानी करते हैं और इसका देखभाल करते हैं। कैसे करते हैं निगरानी? निगरानी करते कि हमारे यहाँ आदमी रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, चारों तरफ प्रोटेक्टिव है, और इसका पूरा देखभाल हम लोग करते हैं, जिस कारण आज भी 32 साल से ये आम यहीं पर है। क्या कैसा टेस्ट कैसा है इसका? टेस्ट बहुत खूबसूरत है, और जहाँ तक अभी पता चला, हम लोग तो आम के मतलब जानते हैं, खाने का चीज़ होता है, और अब माने कि ये आम जो है, अब पता चला ये आम बहुत शुभ होता है, किसी की बेटी की विदाई या पूजा त्यौहार में इस आम को चढ़ाया जाता है, ताकि उसका घर जो है सूरज की रोशनी की तरह जगमगाते रहे उसका जीवन। क्या नाम है? इस आम में जो खासियत है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से ही ये आम लाल होती है, इसीलिए वो दिया जाता है, शुभ माना जाता है इसे। मेरा नाम विकास दास। खासियत इसका आम का टेस्ट जैसे अनारस खाते उस टाइप का फ्लेवर है। अच्छा, बहुत टेस्टी है आम में कोई नहीं। और इनका मंजर और कलर? इसका मंजर गोल्डन कलर का आता है, ठीक है। आम इसका लाल होता है पूरा। अच्छा, तो कब से ये आम है, कितने दिनों से? 30 साल से।